चलो भाई, तो हवा महल और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हो गया। अब जा रहा हूँ रिक्शा वाले भैया के पास। लग रही है भूख तेज वाली, तो अभी जाके देखता हूँ अगर कोई लोकल मिला बढ़िया था खाली तो वो खाऊंगा, वरना कोई ना जो मिले वो खा लेंगे। सुबह से क्या था, एकदम क्लाउडी सा वेदर था, बढ़िया सा था जब हम निकले थे। उसके बाद थोड़ा सा गर्मी मतलब हो गया, लेकिन उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, ठीक ठाक है, मैनेजेबल। खाना तो हो गया मेरा, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे। क्या नाम है, श्री भोजनालय है, नॉर्मल सा होटल है और खाना एकदम मिनिमल प्राइस एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। जो है वहाँ खाना वाना खाने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं वहाँ होटल महल के लिए। अंकल के साथ बेस्ट पार्टी ये लग रहा है कि यहाँ की बताते हुए जा रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी आए कनक बाग, ये जल महल के बगल में, और यहाँ पे जो मतलब अंकल जी कह रहे थे जो ओएल से तेरी गोली जो खाना वो यहाँ पे शूट हुई थी, तो यहाँ पे जो है टिकट मिलती है, जाके पहले टिकट ले लेता हूँ और उसके बाद एंट्री भी नहीं सकता। देखो चाचा दिखा रहे हैं, इधर ही शूट हुआ था। अब अंदर जाके देखते हैं अंकल जी, ठीक है। ये रही उसकी एंट्री, टिकट्स भी ले लिए, टिकट्स इसके पास 25 रुपये का। अंकल मुझे बार बार बोल रहे हैं कि कोयल से तेरी बोली वाली जो लोकेशन है वहाँ लेके चलता हूँ, तो कह रहे बार बार देखो वीडियो, देखो तुम वीडियो देखो, एंड में उन्होंने खुद ही दिखा के माना। तो कह रहे देखो तू अगर तुमको अच्छा लगेगा तभी लेके जाऊँगा। मतलब चलो चल ही लेते हैं। अच्छा बढ़िया तो है, फोटो वगैरह लेने के लिए अच्छा। स्पॉट तो बहुत अच्छा है ये वाला, लेकिन यहाँ पे गाने भाई एक से एक चल रहे हैं। यहाँ पे पेड़ में ऐसा लगा हुआ है स्पीकर्स, और गाना भाई एकदम पुराने पुराने, ऊपर से चचा ने बता दिया वो कोयल सी तेरी बोली गाना, माइंड में वही चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ उधर जाके कुछ पिक्चर्स लूँ, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स लिए मैंने, किसी को भी उठा ले रहा हूँ उसी को बोल रहा हूँ फोटो क्लिक कर दो भाई। एक चीज़ तो पता चल गया कि जयपुर मोस्टली ना मेरे हिसाब से फैमिली के साथ आने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, देख रहे हो मतलब आर्किटेक्ट कल्चर यहाँ का इतना प्यारा सा है, और ये वाला स्पेशली, ये वाला जो है मतलब फैमिली के साथ आने के लिए सबसे बढ़िया है, यहाँ पिकनिक वगैरह भी कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन डायरेक्ट धूप एकदम पड़ रही है भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है। वैसे कल होटल से चेकआउट करना है और शाम तक मैं जयपुर में रहूँगा, उसके बाद जो शाम को अजमेर के लिए बस लूँगा, अजमेर जाऊंगा क्योंकि कल सुबह अजमेर घूमना है, वहां पे भी दरगाह शरीफ जाऊंगा और उसके बाद वहां पे अन्न सागर लेक और भी लाइक देखता हूं वहां पे जो हो सके। मेरे मतलब मैंने लिख रखा है पहले से, एक दो जगह घूमेंगे, फिर ट्यूसडे के दिन जो है वापस आ जाऊंगा मैं। भाई मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, फिर नकली पूमा का सॉक्स पहना हुआ है मैंने। और अभी मैं शूज़ वगैरह उतार लिया और यहाँ पे मस्त लेटूंगा थोड़ी देर, क्योंकि अभी छाव है यहाँ पे तो आराम से लेट सकते हैं। आँख में चश्मा लगा लेता हूँ, 5 मिनट रेस्ट करता हूँ क्योंकि हवा भी बढ़िया चल रही है। सो गाइस 10-15 मिनट यहाँ पे रेस्ट हो गया है, और मैंने अभी कॉल कर लिया ऑटो वाले रिक्शा वाले भैया को, वहाँ से यहाँ से अब वापस निकल रहे। अब यहाँ से मैं निकलूँगा जल महल के लिए, और जल महल से मैं सोच रहा हूँ वापस होटल चल जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद शाम को मार्केट निकल जाऊँ। सिटी पैलेस जाने का मन नहीं है क्योंकि इतना सारा फूड देख लिया ना, ऑलरेडी थक गए, और देखता हूँ अगर मन किया सिटी पैलेस जाने का तो जाएंगे, वरना फिर कैंसिल कर दूँगा। लेकिन अभी पहले जाता हूँ जल महल और वहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा देख लूँ कैसा है और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे का बताता हूँ। भाई ये जगह का नाम है कनक बाग,
तो यहाँ पे आप आ सकते हो आराम से, अगर आपको कोई शांति वाला जगह चाहिए रेस्ट करने के लिए। ना वो नहीं कराना, बस देखने आया हूँ जल महल। जो देख रहे हो यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह है, आप ये पहन के फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं करवाना भाई, बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। अंदर तो जा नहीं सकते, तो लाइक मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा इधर आना, लेकिन हाँ यहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। पीछे बड़ा सीनिक सा व्यू है, तो बढ़िया ही लग रहा है काइंड ऑफ। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऐसे ये आर्टिस्टिक चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। नारियल पानी दे देना। इधर का भी काम हो गया, जल महल भी घूम लिया, महल तो घूम ही नहीं वैसे, और यहाँ के लोकल आइटम वगैरह देख रहा था मैं, कुछ लेने के लायक था नहीं, मतलब मेरे टाइप का। लाइक मेरी बहन वहन यहाँ पे अगर रहती होती तो उन लोगों के लिए कुछ ले भी जाता, फिर हम दिल्ली यार लेके जाऊँगा तो लोग होंगे भी नहीं, तो फिर तेरा मुश्किल हो जाएगा हम लोग को। चाय नहीं पिया सुबह के बाद से, तो चाचा हमें लेके आए यहाँ पे बुंदू, क्या ये रेस्टोरेंट चाहिए है पाकिस्तान, अच्छा ये एरिया चाय पी के फिर सीधा घर निकलूँगा, और कहीं नहीं जाने वाला अभी मैं। और शाम को जो है लाइक नहा वहा के सोच रहा हूँ 8-8:30 बजे करीब मार्केट वार्केट घूमने निकलूँगा ऐसे, बस चप्पल उप्पल पहन के। शाम को मैं अजमेर निकलूँगा 6-7 बजे, हाँ कल शाम को। यहाँ की ट्रेन भी अजमेर के लिए, हाँ ट्रेन भी है, ट्रेन है 6-7 बजे। चलो आप ही बता देना, आप ही स्टेशन छोड़ देना एक साथ ही, भले से टिकट कर लेना आज ही। चलिए देख लूँगा मैं टिकट आज जाकर, और वैसे 120 रुपये बस भी जाओगे तो 140 किलोमीटर। हाँ ना, बस में तो जाने का मन भी नहीं है, ट्रेन मिले तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हमने जो होटल भी बुक किया है ना वो स्टेशन के ठीक सामने ही है। अरे स्टेशन के वहाँ कहाँ है, जहाँ से तुम बैठे हो? नहीं नहीं, मतलब मैंने जो होटल बुक किया ना अजमेर में, वो अजमेर का स्टेशन जो है ना उसके ठीक सामने में ही है। चाय मज़ा आ गया पी के, चले चलते आप पी लो चाय। चाचा ने अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो दिखाई, पूरी कहानी बताई क्यों यहाँ पे रहते हैं ये सब, फैमिली इनकी यहाँ पे रहते हैं, बस काम करने के लिए यहाँ पे। अभी होटल जाऊँगा, ट्रैक जाऊँगा और मस्त आराम से रात में देखता हूँ क्या करना है। आइए होटल पहुँच गए, अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब कल भी जाना है यार, फिर सुबह जल्दी उठ जाए। बस ट्रिप्स में ये रहता है कि सोने को नहीं मिलता, वहाँ तुम छुट्टी में रहते हो लेकिन सोने को नहीं मिलता, लेकिन कोई ना हैंडल कर लेंगे, मेरे को आदत है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा 1-1.5 घंटे के लिए सोने के लिए, थोड़ा नहावा लेता हूँ, उसके बाद शाम को फिर निकलूँगा बाजार वाजार यहाँ पर देखता हूँ, थोड़ा घूमूँगा और भारी डिनर विनर करके फिर होटल में आके सो जाएंगे। तो गाइज फ्रेश हो गया हूँ, मस्त आराम करके 1-1.5 घंटे जो है मोमो वगैरह भी खाया, बाहर से लेके आया था, कोल्ड कॉफ़ी पिया, कोल्ड कॉफ़ी अच्छी नहीं थी होटल की थी, अब बाहर की जो मोमो थी वो ठीक ठाक थी। अब जो है मैं जा रहा हूँ मार्केट, ट्रैक पैंट में निकला हूँ एंड चप्पल पहन के, क्योंकि अभी रिलैक्सेशन जितना करना था वो तो हो गया। ये होटल का लिफ्ट जो है ना एकदम पुराने ज़माने वाला है, इसको गेट को खोलो तो ये गेट खोलना पड़ता है, उसके बाद इसके अंदर जो है वो ग्रिल वाली वो खोलनी पड़ती है। मैंने कुर्ता शर्ट लिया है, ये वाला भैया ये वाला पैक कर दो। हाँ थैंक यू, मेरे को ये कुर्ता शर्ट और ऐसे टाइप पे लाइक कॉटन वाला जो शर्ट होता है ना, ऐसा कुर्ता शर्ट लेने का काफ़ी दिनों से मन था, और लाइक है भी मेरे पास ऑलरेडी एंड प्राइस रेंज ठीक था इसका, इतना कह रहे थे
मैंने उसका ऑलमोस्ट हाफ बोला, तो कह रहे थे उतना तो खरीद नहीं है। एंड में जब निकलने लग गया तो बाद में दे दिया। मेरी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी है। आमिर वगैरह जो है कल सुबह 10-11 बजे तक जो है यहाँ से जैसे भी निकल जाना है, तब जाके अपना 4-5 बजे तक जो है मेरा हो जाएगा आराम से। और फिर शाम को अजमेर के लिए भी निकलना। डिनर का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, और ये मेरे को दिखा देव होटल, यहाँ पे लिखा हुआ है हलाल वेज नॉनवेज बोथ। तो मेरे को नॉनवेज खाने का मन, ये भी खाएंगे, देखते क्या मंगा। क्या मंगा है? चिकन डिशेस, मेरे को नॉनवेज खाना है। मैंने ऑर्डर किया है यहाँ की देव स्पेशल हरा धनिया ऐसा करके कुछ चिकन है, चिकन वो खाऊंगा, और उसके साथ बटर नान। नान के साथ मज़ा आ रहा है क्योंकि दिन में भी नान ही खाया था मैंने, पनीर और नान, मज़ा था, मज़ा आ गया मतलब। और अब ये वाला खा के देखते हैं कैसा, मैं रिव्यू दे दूँगा। भाई साहब खाना हो गया, बचा हुआ खाना पैक भी हो गया। अब ई रिक्शा देखता हूँ, यहाँ पे ई रिक्शा से जो है होटल के लिए निकल जाऊँगा। थक गया हूँ काफ़ी, सोने का मन कर रहा है, तो हो गया फिर कल सुबह फिर जल्दी उठना है। एंड बाय द वे हाई रिकमेंडेड होटल यहाँ पे ज़रूर आए, गूगल में सर्च करने से आगे मिल ही जाएगा। खाना अच्छा था एंड रेंज भी काफ़ी। ई रिक्शा वाले भैया को रुका, उनको मैंने बताया कि भैया मुझे ये जगह जाना है, उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं है। तो मैं रुक जाओ मैप पे देखता हूँ, मैप में चेक किया तो यार 700-800 मीटर था, सॉरी 900 मीटर था। मैंने बोला अरे भैया अपने अंदर पैदल ही चल जाऊँ, कहता अरे कोई बात नहीं भैया। चलो बंदा भी अच्छा था, ये इंदिरा मार्केट में होते हुए 20 मिनट से जा रहे हैं, तो मैंने सोचा यार खाना खा के थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। बैक टू होटल, थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, अभी के लिए मैं सोने जा रहा हूँ। सबसे पहले भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सो मैं थोड़ा फेस वॉश वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद जाके सो जाता हूँ, क्योंकि कल सुबह भी फिर जल्दी उठना है और निकलना है जयपुर के बाकी पार्ट घूमने।